Assalamu alaikum. Welcome to MIV for you. Arthurial Game of Thrones. जी हाँ नाज़रीन, इसको इस्लामिक नज़रिए का Game of Thrones कहा जा सकता है। महमूद बुज़दार मारूफ फिल्म साज का बनाया हुआ सीरियल दरिलिश आर्टिकल। आर्टिकल एक तलस्म कदा है जो माजी को हाल से जोड़ता है और मुस्तकबिल की तामीर करता है। ये वो आईना है जिसमें माजी और हाल इकट्ठे दिखाई देते हैं। ये उम्मत का वो ख्वाब है जो आज से 800 वर्ष पहले देखा गया, जब मंगोलों की आफत, खिलाफत की कमजोरी और मुसलमानों की तकसीम ने दिलो दिमाग वैरान कर रखे थे। ये आज भी उम्मत का ख्वाब है जो मगरबी तहजीब के गलबे, खिलाफत के खात्मे और मुस्लिम दुनिया की तकसीम के बाद मुसलमानों के दिलो दिमाग को रोशन करती है। यही वजह है कि इसे मुस्लिम दुनिया में जो पजीराई मिली वो अपनी मिसाल आप है। आज का टॉपिक है सुलेमान शाह। सुलेमान शाह कौन था, सल्तनत उस्मानिया से क्या ताल्लुक था, तुर्की में सुलेमान शाह और इसके कबीले को क्या मकाम दिया गया और उनका मकबरा कहाँ है और उनके मकबरे को लेकर तुर्की का हालिया इकदाम क्या था, इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप ये सब कुछ जान सकेंगे। नाज़रीन, अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। सुलेमान शाह तुर्क कबाइल के सरदार काया अलब के बेटे, सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के दादा और अर्तुगरुल के फादर थे। सुलेमान शाह बिन काया अल्ब 1178 में पैदा हुए। आपके वालिद का तुर्क नाम कतलमश शाह था और आपकी बीवी का नाम आयमा खातून था। सुलेमान शाह के तीन बेटे थे जिनमें सारा रौनदार थे और अर्तुगरुल शामिल थे। सुलेमान शाह का कबीला 2000 सिपाहियों पर मुश्तमिल था और बाकी तमाम तुर्क कबाइल भी बड़ा तसव्वुर किया जाता था। 13वीं सदी में ख्वाज़म की कुव्वत अपने शबाब पर थी। ख्वाज़म एक सुन्नी मुस्लिम बादशाह थी जो पहले सेल्जूक सल्तनत के मतहत थी और 11वीं सदी में आजाद हो गई। ख्वाज़म शाही ने ईरान, इराक, खुरासान और शाम पर सेल्जूक सल्तनत के कई मकामात कब्जे में कर लिए और इनका मकसद शियाई कुचक को फतह करना था, लेकिन ऐन उस वक्त चंगेज खान ने हमला करके शाही ख्वारज़्म की सल्तनत को तबाह कर दिया और इनके तमाम मंसूबे खाक में मिला। इस तबाही के बाद तुर्क कबाइल जनूब की तरफ भागे, बाज़ेरान और शाम पहुंचे जो तुर्कमानी कहलाए और कुछ कबाइल एशियाई कूचक पहुंचे और सल्जूक सल्तनत के इलाकों में पनाह ली। इन्हीं तुर्क कबाइल में मारे मारे फिरने वाला उस्मानी तुर्क कबीला भी शामिल था जो अहूस कबाइल का ही जुज था और इस कबीले का सरदार सुलेमान शाह था। सुलेमान शाह 12वीं सदी में ईरान आए, वहां से अनातोलिया पहुंचे जहां इस वक्त सल्जूकी सल्तनत कायम थी। इस वक्त तक काई कबीले का सबसे बड़ा दुश्मन मंगोल था और इसी वजह से सल्जूकियों के पास पनाह लेना सुलेमान शाह के मुताबिक एक सही कदम था। सुलेमान शाह खुद और उनके कबीले वाले अपने आला औसाफ में मशहूर थे। सुलेमान शाह मशकी और अनातोलिया के शहर अखलात पहुंचे और अखलात के हुक्मरान से अच्छे ताल्लुकात की बिना पर वहां कयाम किया, लेकिन जब यहां मंगोलों की जानब से खतरा बढ़ा तो फिर ये इलाका छोड़कर और आगे बढ़ गए। अखलात में कयाम के दौरान सुलेमान शाह और इसके कबीले ने बहुत नाम पैदा किया, लेकिन जब यहाँ भी मंगोलों का खतरा बढ़ गया तो इन्हें अखलात छोड़ना पड़ा। सुलेमान शाह इस इलाके में डाकुओं लटेरों का कला कमा किया और बाज नदीनी सल्तनत से टक्कर ली और उन्हें पसपा किया। मौरखीन के मुताबिक सुलेमान शाह ने सेल्जूक सुल्तान की भी मदद की। अखलात के बाद सुलेमान शाह के मशहूर सुलेमान शाह शाम के मशहूर शहर हलब पहुंचे। ज़माने कदीम में ये तजारत का बहुत बड़ा मरकज़ था।
बगदाद जाने वाले तमाम तजारती काफले इसी रास्ते से होकर जाते थे। बाजनतीनियों ने इसको बहुत तरक्की दी और 7वीं सदी में इस पर अरबों ने कब्जा कर लिया। 10वीं सदी में ये फिर बाजनतीनियों के कब्जे में चला गया। 11वीं सदी में इस पर तुर्क सलजोक काबिज हो गए और उसके बाद बाजनतीनी यानी सलीबियों ने इसका दोबारा मुहावजा कर लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी ने इस पर कब्जा करके इसे मजबूत बनाया और इसके बाद 1260 में इस पर हलाकू खान ने कब्जा कर लिया। सुलेमान शाह की मौत दरिया में डूब कर हुई। बाज मौरखीन के मुताबिक ये हादसा दौरान गुसल पेश आया, जबकि बाज के मुताबिक दरिया पार करते हुए डूबने की वजह से उनकी मौत हुई। और इस दरिया के बारे में बताया जाता है कि शायद ये दरियाए फराब था। बेरलिश आर्टिकल में सुलेमान शाह का किरदार निभाने वाले सरदार गोख खान हैं। वो मशहूर तुर्क अदाकार हैं और कई सालों से अदाकारी से वाबस्ता हैं। 1946 में पैदा हुए, 64 में अदाकारी शुरू की और अब तक उनकी दूसरी बीवी से एक बेटा है। 2014 से अब तक आर्तुगरल के अलावा किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया। सुलेमान शाह का मजार इस वक्त तुर्की में है, जिसे हाल ही में शाम से तुर्की रीलोकेट किया गया है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और कमेंट करें, और आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको हलीमा सुल्तान, जो कि इस सीरियल की मरकजी किरदार की बीवी थी, के बारे में मुकम्मल हकायक से आगाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।